हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स चैप्टर 2 एडिशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एडिशन का सिंबल यानी साइन प्लस है और उसको दो वे में से लिख सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल यानी स्लिपिंग लाइन से और दूसरा है वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन से। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे पास 7 मैंगोज है, ठीक है, और एक भी मैंगो ऐड नहीं हुआ है यानी 0 है। तो अभी हमारे पास टोटल 7 मैंगोज रहेंगे। हम किसी में कोई भी चीज़ यानी ऐड ना करें तो उसका आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 बनानास, 1, 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पर एक भी बनाना ऐड नहीं हुआ है तो हमने लिखा 0 इज इक्वल टू, हमारे पास अभी कितने बनानास हो गए, 3, क्योंकि हमने एक भी ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट है सेकेंड स्वीट। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी स्वीट है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने लिखा 4 प्लस, यहाँ पर एक स्वीट हमने ऐड की है तो इज इक्वल टू, हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास टोटल 5 स्वीट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितनी पेंसिल है, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 8 पेंसिल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस, हमने 1 पेंसिल ऐड की है तो कितने होगी अभी पेंसिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितनी पेंसिल होगी, 9। एडिशन यानी क्या होता है, कोई भी थिंग्स में वन मोर थिंग्स ऐड करना उसको बोलते हैं एडिशन। अगर कोई भी हमने चीज़ ऐड नहीं की है तो उसका आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने ऑर्डर्स को चेंज किया है पर हमारा आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमने 3 + 4 = 7 और नेक्स्ट में है 4 + 3 = 7। यानी हम ऑर्डर्स चेंज करें, 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, हमारा आंसर सेम ही होगा। जैसे कि हम 3 + 2 तो 5 होगा, वैसे ही 2 + 3 = 5 होगा। ओके, थैंक यू।